हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएफटी टाइगर्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त गेमिंग के प्रोजेक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूं। इसमें आप लोग फार्म हाउस ट्रैक करके और इसमें आप गेम प्ले करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। बहुत ही प्यारा गेम का इंटरफेस है और HD ग्राफिक्स के साथ आपको ये गेम प्ले करने को मिलेगी। और आप इसको प्ले करेंगे, आपका टाइम भी पास होता रहेगा और साथ में आपको कुछ काफ़ी अच्छी इनकम भी मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल NFT Tigers पे पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया, उधर से जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा और अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। तो वॉलेट सेलेक्ट करके जब आप ओपन करेंगे, वॉलेट आपका कनेक्ट हो जाएगा और आपके सामने इनका जो गेम है वो ओपन होगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो शो करवाता हूँ कि एक कौन सा ऑप्शन किस लिए है। शॉर्ट सी इनकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। इधर आप चेक कर सकते हैं ये किस किस ऑप्शन का क्या क्या काम है। यहाँ पर आपको शॉर्ट वर्ड में उन्होंने समझाया हुआ, ये स्वैप के बारे में इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, फॉर्म के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपको ये NFT वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बाद PUB ऑप्शन के बारे में और यहाँ पे कॉम्बैट कैंप के बारे में, तो इस तरीके से पूल के बारे में भी डिटेल मिल जाएंगे। तो वन बाय वन आप सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं, लाइब्रेरी के बारे में भी। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम लॉकअप पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ये आप लोग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टोकन्स को स्वैप करते हैं, स्वैप पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर अपने टोकन्स को इंटर कर लेंगे, कितने टोकन्स आप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपने टोकन्स वगैरह इंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को सिंपल नीचे जो है वो क्लिक कर लेना होगा अप्रूव GUT वाला ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। वॉलेट ओपन होने के बाद आपने वॉलेट की परमिशन देनी होगी और यहाँ पे भी आप अपने टोकन्स इंटर कर सकते हैं, जितने टोकन्स आपने बैक पेज पर सेलेक्ट किए थे। और यहाँ से नेक्स्ट करना है, अप्रूव कर लेना है इसको। और जैसे ही आप इसको अप्रूव कर लेंगे थोड़ी देर वेट करना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने के बाद आपने स्वैप पे क्लिक कर लेना है, वॉलेट ओपन होगा। वॉलेट की कंफर्मेशन को आपने कंफर्म कर देना होगा। कंफर्म करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पे आपके जो टोकन्स होंगे वो USDT में स्वैप हो जाएंगे। अब बाद में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आपने इनको लिक्विडिटी में किस तरीके से लगाना होगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोग अपने टोकन्स को लिक्विडिटी में लगा सकते हैं, जितने टोकन्स आप लिक्विडिटी में लगाना चाह रहे हैं आप सिलेक्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, वॉलेट आपका ओपन हो जाएगा। और इधर आप लोग अपने टाइप कर लेंगे अमाउंट, मैं 100 इंटर कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे, इसको अप्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर अप्रूव आप लोगों का जब हो जाएगा आपने इस प्ले पर कर लेना होगा क्लिक और यहाँ से कन्फर्म प्ले कर लेना है। और इधर आप लोग अपने स्पेंडिंग कैप इंटर कर लेंगे, जितनी आप करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप लोग नीचे जो है नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने टोकन को सक्सेसफुली यहाँ पे लिक्विडिटी पे लगा दिया है। इस तरीके से आप लिक्विडिटी में अपने टोकन्स को लगा के भी काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे, इधर आप फॉर्म वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। इधर देखें तीन इनके प्लान हैं, कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग और इसमें माई रिश्यूअर्स। तो रिवार्ड आपको किस किस में दिए जाएंगे वो चेक कर लेने और सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर दिए आप डिटेल्स और परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं कितना परसेंट APR आपको मिलेगा। स्टैक पे क्लिक करेंगे, इधर आप लोग अपने टोकन्स को लगा सकते हैं, कितने टोकन्स को आप लोग इसमें लगाना चाह रहे हैं स्टैकिंग पे, और उसके बाद आप अप्रूव कर लेंगे और अप्रूव करने के बाद आपके टोकन्स यहाँ पे लग जाएंगे। तो 100 हम लोग यहाँ पे लगा के देख लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास अभी जो वैल्यू है वो इतनी है तो इतनी वैल्यू को यहाँ पर लगा लेता हूँ, अप्रूव कर लेते हैं। और इधर से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जितने आप करना चाहें, तो मैं मैक्स करके नेक्स्ट एंड अप्रूव कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ से अगेन आप अप्रूव पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे देखें स्टैकिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्टैक पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप लिक्विडिटी वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो अपने टोकन को आप स्टैक भी कर सकते हैं और यहाँ पर लिक्विडिटी भी ऐड कर सकते हैं। जो रिवार्ड वगैरह आपको दिया जाएगा GUT में वो शो होगा, जो स्टैक्ड आपका रिवार्ड वगैरह मिलेगा वो आपको शो इधर हो जाएंगे। और इसके बाद आप लॉकअप पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे भी आप अपने टोकन्स को इंटर कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और वॉलेट आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी हम 1000 इंटर कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपने बैक आना है, नेक्स्ट करना है, कन्फर्म करके अप्रूव कर लेना है। और इधर आप लोगों ने कन्फर्म कर लेना है, वॉलेट ओपन होगा, कन्फर्मेशन दे देनी है।
यहाँ पे अगेन हम कंफर्म कर लेते हैं और वॉलेट की परमिशन दे देते हैं, और कंफर्मेशन देने के बाद यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। और ये जो आप लोगों ने GUT टोकन्स को WEGUT पे मतलब अप्रूव किया, तो इससे आप लोग NFTs वगैरह कार्ड वगैरह बाय कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने मैं लाइव NFTs भी बाय करके दिखाऊंगा। तो वॉलेट हमारा ओपन हो चुका है, वॉलेट की परमिशन दे देते हैं अगेन लास्ट टाइम। और इसके अलावा आप लोग GUT टोकन्स को लॉक करके भी GUT टोकन्स को एज ए रिवार्ड ले सकते हैं। तो GUT टोकन को किस तरीके से आपने लॉक करना है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल आ जाना है और यहाँ पे अपने टोकन्स इंटर कर लेने हैं, कितने आप लोग इसमें लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कितने आप लोग भी GUT टोकन्स को लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग कर लेंगे इंटर। इंटर करने के बाद आपने अप्रूव पे क्लिक कर लेना है। अप्रूव पे क्लिक करते ही वॉलेट की परमिशन आएगी और यहाँ पे अगेन हम लोग अपनी जो क्वांटिटी है उसको इंटर कर लेते हैं। और क्वांटिटी वगैरह इंटर करके यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है और इसको अप्रूव कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको अप्रूव करेंगे, आपके यहाँ पे अप्रूव की परमिशन ओके हो जाएगी। अब इस बार आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको कन्फर्म कर लेना है वॉलेट को। और यहाँ पर देखें हमारे जो टोकन्स हैं वो मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली लॉकअप कर लिए हैं। मतलब अपने टोकन्स को आप लॉक करके भी आप लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे प्रूव पे क्लिक कर लेते हैं, अगेन हमारा वॉलेट ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग बैक पेज पे आ जाएंगे, इधर आप लोग लॉकअप पे अगेन क्लिक करेंगे, नीचे आपको इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और इनवाइट फ्रेंड्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इधर आप लोगों को आपका इन्विटेशन का मतलब लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को आप लोग कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और जब आपका फ्रेंड इस लिंक के ज़रिए इसमें अकाउंट क्रिएट करके वो भी अपने टोकन्स को लॉकअप करेगा मतलब लॉक करेगा, तो आप लोगों को रिवार्ड दिया जाएगा। तो आप लोग इस लिंक के ज़रिए फ्रेंड्स को इन्वाइट करके उनको लॉकअप का बोलिएगा ताकि आपको और ज़्यादा रिवार्ड मिल जाए और ज़्यादा आप लोग इसमें अर्निंग कर पाएँ। और जब आप और आपका दोस्त दोनों इस लिंक के मतलब ज़रिए या आपका दोस्त इस लिंक के ज़रिए और आप मतलब डायरेक्टली यहाँ से लॉकअप करेंगे, लॉकअप परफॉर्म करेंगे, तो आप दोनों को होनोररी पॉइंट्स दिए जाएंगे। उन होनोररी पॉइंट्स को आप लोग स्टैकिंग कर सकते हैं उनकी। उसके लिए आप लोगों ने फॉर्म पे आ जाना और फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने होनोररी पॉइंट्स को आप लोग लगा सकते हैं और उनको यहाँ पे आके आप लोग स्टैक में लगा सकते हैं जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मेरे पॉइंट्स 0 हैं क्योंकि मैंने अभी किसी फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया। तो आप जितने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप लोग यहाँ पे स्टैक में लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे ये इनका एक पेज मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिंपल टास्क मिलेंगे जिनको कंप्लीट करके आप 20 GUT टोकन जीत सकते हैं। इस तरीके से आपने इसमें अपना मतलब टास्क कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्विटर पे इनको फॉलो करना है, ज्वाइन करना है। और इधर आप लोगों को फॉलो ऑन ट्विटर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप ट्विटर पे इनको फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोवाइड अपना वॉलेट आप दे सकते हैं और आपको 3 जो है वो पॉइंट्स यहाँ पे भी मिलेंगे। तो इस तरीके से मतलब ये सारी टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को 20 GUT टोकन जीतने का मौका मिल सकता है। और इतने दिन बाकी हैं एंड होने में और टोटल लोगों ने इतनी एंट्रीज इसमें कलेक्ट कर ली हैं। जितनी ज़्यादा आप एंट्रीज कलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के मौके होंगे। जो आप फ्रेंड्स के थ्रू अर्निंग करेंगे उसको देखने के लिए आपने फॉर्म पर आ जाना और इधर माई पॉइंट्स पर आप क्लिक करेंगे, जो आपको रिवार्ड वगैरह दिया जाएगा टोटल रिवार्ड वगैरह वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पॉइंट्स वगैरह अपने देख पाएंगे कितने पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे आपको हो चुके हैं और आप लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवार्ड वगैरह यहाँ पे दे ले सकते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका है। और इसके अलावा आप लोगों को बैग आ जाएंगे, इधर आपको पोल का ऑप्शन मिल जाएगा, पोल पे क्लिक करते यहाँ पे आप रिवार्ड पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रिवार्ड पोल में पार्टिसिपेट करके आप काफ़ी अच्छी इनकम यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से ज्वाइन होना है, जस्ट आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेना है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर टोटल रिवार्ड कितना कितना मिलेगा वो बता देंगे और टोटल इधर कितना रिवार्ड मिलेगा ये चीज़ें देख सकेंगे कि पॉइंट्स माई शेयर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और इधर आपको जो भी अर्निंग होगी, जो भी आपका इशू होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं NFT मिंटिंग की तरफ, किस तरीके से NFT को मिंट करना है। तो उसके लिए आपने आ जाना होगा NFT वर्कशॉप के अंदर और यहाँ पे NFT मिंटिंग एंड NFT ये दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। तो NFT मिंटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, लिमिटेड एडिशन कार्ड एंड गेम कार्ड। तो मैं गेम कार्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मेथड सिलेक्ट करना है जिसके ज़रिए टोकन को बाय करना चाह रहे हैं।
यहाँ पे आप अप्रूव कर लेंगे, और अप्रूव करने के बाद आप लोगों के सामने वॉलेट ओपन हो जाएगा। और इसकी यहाँ पे प्राइस वगैरह आपने देख लेनी है, क्या प्राइस है इसकी। और यहाँ पे वॉलेट ओपन होने के बाद वॉलेट की परमिशन देनी होगी। वॉलेट की परमिशन देने के बाद थोड़ी देर वेट कर लेना, यहाँ पे इनेबलिंग हो रही है। इधर आपने मिंट पे क्लिक कर लेना, और मिंट पे क्लिक करने के बाद इस बार आप लोग की जो यूट्यूब के ज़रिए आप इनकी जो NFT है वो मिंट कर पाएंगे। और इधर से हम लोग वॉलेट की परमिशन दे लेते हैं। वॉलेट की परमिशन देने के बाद आप लोगों का जो वॉलेट है वो परमिशन ओके होने के बाद यहाँ पे NFT आपकी मिंट हो जाएगी। तो ये देखें हमारे पास जो NFT है हमारे यहाँ पे एक NB बर्न आ चुकी है यहाँ पे NFT हमारी। तो इस तरीके से आप लोग NFT को मिंट करेंगे तो आप लोगों की भी NFT कुछ इस तरीके से मिंट हो के आ जाएगी। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग बैक आ जाते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से इसको कट कर लेना, बैक आ जाना है। और इस बार आपने NFT बर्निंग पे क्लिक करना है, पुट इन गेम कार्ड्स पे आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है। अब यहाँ पे जो NFT आपने बर्न की होगी, मिंट की होगी, उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नीचे से कंफर्म कर लेना है, आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगी। देन आपने अप्रूव पे क्लिक करना है, वॉलेट आपका ओपन होगा, वॉलेट की परमिशन आपने देनी होगी। तो वॉलेट की यहाँ पे हम परमिशन दे लेते हैं, अप्रूव इसको कर देना है, और अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आपकी अप्रूव की परमिशन हो जाएगी सक्सेस। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कंफर्म बर्निंग पे क्लिक कर लेना है, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद वॉलेट अगेन ओपन होगा। इस बार फिर आप लोगों ने वॉलेट की परमिशन देनी होगी, यहाँ से कंफर्म कर लेना है और वेट करना है थोड़ी देर। अब यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसको लगा लिया बर्निंग पे, और बर्निंग रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और जो भी NFT वगैरह आपने बर्निंग में लगाई होंगी उनकी डिटेल्स और उनके रिवार्ड वगैरह उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों को सक्सेसफुली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको लिमिटेड एडिशन कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना फेवरेट मेथड सिलेक्ट कर लें, और नीचे आपने अप्रूव पे कर लेना होगा क्लिक। अप्रूव पे क्लिक कर दिए आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। तो इधर इसकी प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए, 8456 में इंटर कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पे इसको कर देंगे अप्रूव, और नेक्स्ट करके इसको अप्रूव कर देना है। और इधर आप लोगों को मिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आपने मिंट पे क्लिक कर लेना है। मिंट पे क्लिक करने के बाद अगेन वॉलेट की परमिशन देनी होगी, और यहाँ से हम अपने वॉलेट की इसको परमिशन दे देते हैं, और हमारी ये NFT जो लिमिटेड एडिशन वाली है ये भी NFT सक्सेसफुली यहाँ पे हम मिंट कर सकते हैं। और इधर देखें सक्सेसफुली ये NFT कार्ड हमने यहाँ पे बाय कर लिया, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। और इस तरीके से आप लोग लिमिटेड एडिशन जो कार्ड है उनको भी इजीली यहाँ से मिंट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जो आपको NFTs दी जाएंगी उनको आप लोगों ने यूज़ कहाँ पे करना होगा, यहाँ पे कॉम्बैट कैंप पे आ जाना है। इधर आने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 3 यहाँ पे मोड्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर आपने प्लस पे क्लिक करना है, जितनी NFTs आपके पास कार्ड होंगे वो शो होंगे। मेरे पास 3 कार्ड्स हैं तो मैं यहाँ पे पहले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कन्फर्म कर लेते हैं। उसके बाद आपने सेकंड वाले प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, अपना दूसरा कार्ड सिलेक्ट करके नीचे से कंफर्म कर देना है। इस तरीके से 1 by 1 आप तीनों कार्ड को यहाँ पे 1 by 1 सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, और आपके वो यहाँ पे लग जाएंगे। फॉर्म में टीम पे आपने क्लिक कर लेना है, क्लिक करते ही आपके वॉलेट ओपन हो जाएगा। वॉलेट की परमिशन देनी पड़ेगी, और इधर से हम अपने वॉलेट की परमिशन को कन्फर्म कर लेते हैं। और जब आप अपने कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, आपके सामने फाइट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने फाइट पे क्लिक करना है। इधर PVP एंड PVE दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, दोनों में से जो भी आपको सिलेक्ट करना चाहिए आप कर लें। इधर आपको चैलेंजेस मिल जाएंगे, इधर लीडर बोर्ड्स उनके मिल रहे हैं, आप ये लीडर बोर्ड्स चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम इंटर पे क्लिक कर लेते हैं, और इधर इंटर पे क्लिक कर दिए अब यहाँ पे हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। अब ब्रेक इनटू का ऑप्शन है, इसको हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करते ही थोड़ी देर लोडिंग होगी। अब यहाँ से हम लोग इसको अप्रूव कर लेंगे, अप्रूव करने के बाद वॉलेट की परमिशन आ जाएगी। और इधर आप लोग अपने अमाउंट वगैरह टाइप कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर अमाउंट अपनी टाइप कर लेता हूँ, और देन यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट करेंगे, और अगेन अप्रूव कर लेंगे इसको। अब अगेन आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन थोड़ी सी लोडिंग होगी, और लोडिंग होने के बाद आप लोगों का अगेन वॉलेट ओपन होगा। आपने कंफर्म करनी है परमिशन, तो यहाँ से हम लोग परमिशन को कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइटिंग होना शुरू हो जाएगी। आपने जस्ट यहाँ पर वेट करना और कुछ भी नहीं करना, और यह फाइटिंग होगी। फाइटिंग होने के बाद अगर आपकी टीम विन करेगी तो आप लोगों का ये चैलेंज पास हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं चैलेंज पे क्लिक करूँ, चैलेंज पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे वॉलेट की परमिशन देनी होगी, और यहाँ पे मैंने परमिशन वॉलेट की दे दी है। वेट करते हैं थोड़ी देर।
अब यहाँ पे देखें अगेन फाइटिंग होना शुरू हो गई है, और ये देखें अगेन फाइटिंग हो रही है, और इस बार हमारा लूज़ हो चुका है। और अब अगेन अगर आप लोग यहाँ पे फाइटिंग करना चाह रहे हैं तो आप वन बाय वन यहाँ पे फाइटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं अगेन, और यहाँ पे मज़ीद भी ऑप्शन हैं। ये देखें जो भी रिवार्ड आपको मिलेगा उसको आप रिसीव रिवार्ड पे क्लिक करेंगे। रिसीव रिवार्ड पे क्लिक करने के बाद आप इस रिवार्ड को सेव करेंगे अपने पास। तो यहाँ से हम लोग रिसीव रिवार्ड पे क्लिक करके आपने वॉलेट की परमिशन को ओके करना होगा। और इसमें देखें मुझे 17.08 GUT टोकन्स का रिवार्ड मिल गया जस्ट फाइटिंग करने से ही। तो इस तरीके से आप अपने कार्ड्स को यहाँ पे फाइटिंग में लगा सकते हैं अपने जो प्लेयर्स हैं इनको, और आप अपने रिवार्ड को यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे PUB का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आएंगे तो यहाँ पे एक लॉन्च पैड का ऑप्शन मिल जाएगा। लॉन्च पैड पर आप लोग आएंगे, लॉन्च पैड के अंदर आएंगे, ये इनका इन प्रोग्रेस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इधर आपको इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाएंगी। डिटेल्स वगैरह इसके आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटर करना चाह रहे हैं तो आप अपनी अमाउंट इंटर करके इसमें आप लोग इंटर हो सकते हैं। साथ में आपको NFT मार्केट का ऑप्शन मिल जाएगा, और इधर आप लोगों के जो भी मार्केट प्लेस के अंदर ये NFT की आइटम्स आ जाएंगी, इन NFT में आइटम्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जो NFT आप लोग बाय करना चाह रहे हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल्स वगैरह आप लोगों ने चेक कर लेनी है। डिटेल्स वगैरह चेक करके अप्रूव पे क्लिक कर लेंगे। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद आप इसकी प्राइस वगैरह चेक कर लीजिए। अप्रूव पे क्लिक करके वॉलेट की परमिशन देनी होगी, और उसके बाद आप लोग अगर आपके पास इतनी अमाउंट है तो आप इनकी NFT को बाय कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि किस तरह की NFTs आप लोगों को चाहिए, तो वैसे आप फ़िल्टर लगा के वैसे NFTs यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इधर नीचे आपको हीरो माइन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आप लोग जब क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखें स्टैक कार्ड टू ऑब्टेन GUT एंड POW गोल्ड माइन। यहाँ पे ये देखें टोटल हैश रेट आपको बता देंगे, हैश रेट प्रोवाइडेड बैलेंस, हैश रेट रिवार्ड आपको POW में, और हैश रेट रिवार्ड GUT में। और नीचे मज़ीद आप लोगों को सारे ये इनके ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो अच्छा लगे जस्ट आपने क्लिक कर लेना है उस पर। और इसमें भी आप लोग अपने बैलेंस वगैरह ट्रैक कर सकते हैं। टोटल हैश रेट यहाँ पे मेरा यहाँ पे देखें दिखाया जा रहा है, हैश रेट प्रोवाइड कितना आपको कर दिया गया है, और प्रोपोर्शन आपको मिल जाएगा, जो रिवार्ड मिलेगा उसको हारवेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रैक पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कार्ड को सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करके नीचे कंफर्म कर लेंगे, और उसके बाद आप लोग इजीली यहाँ पे पहले अप्रूव हम इसको कर लेते हैं। अप्रूव करने के बाद हम सिलेक्ट करें, और इसके अलावा यहाँ पे आपको रॉयल सिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे इधर आपको कलेक्शन कार्ड BU FF मतलब कलेक्शन कार्ड बफ मिल जाएगा, इसको आपने सिलेक्ट करना है। इधर आपको 5+ आइकॉन मिलेंगे, यहाँ पर पहले वाले आइकॉन पर आपने क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, अप्रूव कर लेना है। और अप्रूव के बाद आपके वॉलेट की परमिशन आप लोगों ने देनी होगी इसको। और ये आपका लिमिटेड एडिशन कार्ड है, तो इसको आप लोगों ने जल्दी से यहाँ से कंफर्म करके अप्रूव कर लेना है। अप्रूव करते ही आपका पहला जो कार्ड होगा सक्सेसफुली यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से आपने कार्ड को सिलेक्ट करना है और उसको आपने लॉक करना है। तो पहले आपने अप्रूव कर लेना है और कन्फर्म लॉक पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग कन्फर्म लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो कार्ड होगा यहाँ पर वॉलेट की परमिशन देने के बाद लक को जो है वो लॉक हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे कर लिया इसको ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ से आपने इसको कंफर्म कर देना है वॉलेट की परमिशन को, और थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर में आपका ये कार्ड जो होगा वो लॉक हो जाएगा, और आप कार्ड को लॉक करके POW टोकन्स को एज ए रिवार्ड आप लोग अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड आइकॉन पर क्लिक करके आप लोग उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने कार्ड आप लॉक करना चाहें वो कर सकते हैं। और POW रिवार्ड आपको जो दिए जाएंगे उनको कलेक्ट करने के लिए आपने जस्ट कलेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग POW रिवार्ड यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। और इधर देखें सक्सेसफुली मैंने रिवार्ड वगैरह यहाँ पे देखें मेरा इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। जितने ज़्यादा देर आप यहाँ पे लगाएंगे कार्ड को उतना ज़्यादा रिवार्ड आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। 3% कॉम्बैट गेन है और कार्ड स्टैकिंग गेन 5% है। तो मैंने कुछ कलेक्ट भी किया, जितनी ज़्यादा आप चाहें आप यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी टोकन भी आपको मिल जाएगा, इसमें आपको सिटीजन, लॉर्ड, मोनार्च, स्टार लॉर्ड और बाकी यहाँ पे ये वन बाय वन आप इनकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी अगर आप लोग आइडेंटिटी टोकन की ये
जो ऑप्शन है इनको मिंट करना चाह रहे हैं तो जस्ट मिंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन एफ टी पे क्लिक कर लेंगे, और क्रिएट एन एफ टी पे क्लिक करने के बाद आपके वॉलेट की परमिशन आएगी। वॉलेट की परमिशन आप लोगों को देनी पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ से आप लोगों ने जो है कंफर्म इसको कर लेना है, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का ये भी काम सक्सेसफुली हो जाएगा, और यहाँ से भी आप लोग ये भी जो है कार्ड भी बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलेक्शन कार्ड बफ को यूज़ करके यहाँ पे POW टोकन्स को भी कार्ड लॉक करके एज रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को इनका मिल जाएगा वाइट पेपर, और वाइट पेपर के अंदर भी इन्होंने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, जिस ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए आप सिंपल उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और आपके सामने मुकम्मल उनकी जो डिटेल्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगी। वैसे मैंने भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनकी बता दी है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी इनको ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, और इसके बाद इनका डिस्कॉर्ड है, फेसबुक प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों की इनकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को देखने को मिलती जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू था आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।